राजस्थान के सीकर में फेमस खाटू श्याम जी मंदिर के कपाट काफी समय से बंद थे, जिसकी वजह से लोग दर्शन नहीं कर पा रहे थे। इस बीच खाटू श्याम बाबा के भक्तों के लिए बड़ी खुशखबरी आई है। दरअसल बाबा खाटू श्याम जी का मंदिर 85 दिनों के बाद खुल गया है। जी हाँ, भक्त 6 फरवरी 2023 से बाबा के दर्शन कर सकेंगे। श्री श्याम मंदिर कमेटी ने बताया कि भक्तों के लिए दर्शन की खास व्यवस्था की गई है। बाबा के पट खुलने के बाद पहले दर्शन का वीडियो बनाया गया, जिसमें बाबा के दर्शन करने के लिए लाइनें बन गई हैं। अब बाबा के दर्शन करने के लिए ऑनलाइन बुकिंग कराना जरूरी होगा, क्योंकि पहले से बुकिंग करने वाले भक्तों को ही मंदिर में प्रवेश करने की अनुमति दी गई है। दर्शन के लिए केवल 4 मिनट ही मिलेंगे। बाबा खाटू श्याम जी के कपाट खुलने की खबर सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है। दर्शन के लिए भक्तों की भारी भीड़ उमड़ी। मंदिर खुलने के साथ ही पूरी खाटू नगरी में श्याम के जयकारे गूंजने लग गए और श्याम भक्तों सहित व्यापारियों में खुशी का माहौल है। पिछले मेले में हुए हादसे के बाद जिला प्रशासन के निर्देश पर मंदिर कमेटी ने व्यवस्थाओं में बदलाव किया है। इस वजह से मंदिर 85 दिनों से बंद था। भीड़ के प्रेशर को कम करने के लिए लाइनों की संख्या बढ़ाई गई है। वहीं मंदिर की तरफ जाने वाले 5 से अधिक मार्गों से अतिक्रमण हटाकर चौड़ाई बढ़ाई गई है। वहीं 22 फरवरी 2023 से खाटू श्याम बाबा का फाल्गुनी लक्खी मेला भी शुरू होने जा रहा है, जो मार्च के पहले सप्ताह तक चलेगा। इस दौरान देश भर से लाखों की संख्या में श्रद्धालु दर्शन करने के लिए पहुंचते हैं, जिसकी तैयारियां भी लगभग पूरी होने को है। बताया जा रहा है कि तिरुपति बालाजी की तर्ज पर खाटू धाम की व्यवस्था को किया गया है। जैसे तिरुपति में आने वाले हर भक्त की व्यक्तिगत और लगेज की स्क्रीनिंग होती है, इसके अलावा ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, VIP दर्शन, डोनेशन दर्शन, दर्शनों में भक्तों की फोटो स्कैन की व्यवस्था रहती है। इससे मंदिर क्षेत्र में किसी भी समय उपस्थित भक्तों के बारे में मंदिर तथा स्थानीय प्रशासन को जानकारी रहती है। अब इसी व्यवस्था को खाटू धाम में लागू किया जाएगा।